गई योगी तेरे राज में, रेप और हत्या परम हो गई योगी तेरे राज में, का बुरा हाल हो गया योगी तेरे राज में, नौकरी पर योगी तेरे राज में। जुमला नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, योगी नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं युवा हूँ, ग्रेजुएट किया हुआ हूँ मैं, और कितना भी हाथ पांव मैंने मारा लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली, मिल भी रही है तो मेहनत दोगुनी, पैसा कुछ नहीं। इसी वजह से मैंने ये कैब निकाला हुआ है, सामने देख सकती हैं, इसमें भी इतना कम किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है, इतना कम पैसा हम कमा पा रहे हैं, किसी तरह से बस गुजारा बसारा कर रहे हैं। इसकी जनता जान चुकी है और योगी जी को और मोदी जी को 22 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी प्रदेश की जनता। आप चाहे जिस गांव और शहर में कोने में जाकर के पूछ लीजिए, लोग परेशान हैं, लोग प्रताड़ित हैं, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार क्रूर सरकार साबित हुई है। अंग्रेजों ने भी हमारे देश के नौजवानों, किसानों और व्यापारियों पर इतना अत्याचार नहीं किया, महिलाओं पर जितना अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों पर और उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया। उठे वादों से बोल बोल कर लोकप्रिय बन गए हैं, क्या लोकप्रिय चेहरा? अरे पहले अपने देश के लिए तो आप वो करिए, रोजगार की तो बात करिए, महिलाओं के सम्मान की तो बात करिए, छात्रों की तो बात करिए, किसानों की तो बात करिए, आप बात करते हैं लोकप्रियता की। अब यहाँ पर देखिए किसान कितना परेशान है। नमस्कार, आपका स्वागत है बोलता उत्तर प्रदेश में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन जुमला दिवस और बेरोजगारी के दिवस के तौर पर मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी सरकार 20 दिन का सेवा और समर्पण अभियान चला रही है, मोदी जी का जन्मदिन मना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा युवा है वो रोड पर जुमला दिवस, बेरोजगारी दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो युवा हैं वो किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो वजह हैं जिसकी वजह से ये युवा प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जुमला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या चाहते, क्या है? देखिए आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, तो इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे हम हमारे साथी बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, आज के दिन बलात्कारी दिवस मना रहे हैं, भुखमरी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि पता ही आपको पता है कि जब से इन बीजेपी की सरकार आई है तब से हम युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मोदी जी ने कहा था जब इनकी सरकार नहीं आ रही थी, जब वोट मांग रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों को गुमराह किया, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन आए, वोट लेने के बाद तो इनको पता भी नहीं अच्छे दिन, इनके सरकार आने के बाद इतने मतलब परेशानियां हुई है, जनता इतना परेशान है, लॉकडाउन में इतनी भुखमरी हुई है, आपको पता है इतने गरीब इस लॉकडाउन में इतने गरीब जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कुछ तो ट्रेन से कट के मजदूर मर रहे हैं, और बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी सरकार जो ये आतंकी से भी खतरनाक बीजेपी सरकार है। तो आज इनके जन्मदिवस पे हम सब रोजगार की मांग कर रहे हैं, जी। तो आपने प्लेट ले रखा है? जी जी, मैं भीख मांग रही हूँ कि ये हमारा अधिकार, भीख नहीं, मैं मोदी जी से भीख नहीं मांग रही, ये हमारा अधिकार है, मैं उनसे रोजगार मांग रही कि आप रोजगार दीजिए, रोजगार नहीं देंगे तो पढ़ा लिखा नौजवान आज इस लखनऊ के सड़क पे 1090 के चौराहे पर भीख मांग रहा है, हम क्या कर सकते हैं? नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, घर वाले इतना मेहनत से पढ़ाने की फीस दे रहे हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, बताइए किस तरीके से हमारे पास हो रहा है, रोजगार दोगे नहीं तो हम भीख ही मांगेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं भीख मांग करके। हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, नौजवान पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नौजवानों की जो बेरोजगारी की संख्या है, दर है, वो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितने भी रोजगार थे उन सब का
पूरी तरीके से वो सब ख़त्म हो चुके हैं रोज़गार, और लोग भुखमरी के कगार पे हैं। तमाम नौजवान रोज़गारी के ना चलते आत्महत्या कर रहे हैं और सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नौजवान इनके खिलाफ़ बोल रहा है उनको ये लोग जेल में डलवाने का काम कर रहे हैं। हम लोग 1090 चौराहे पर बैठ करके इस प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर वो इतना नौजवान के बारे में नहीं सोचे कि उन्हें रोज़गार के लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दिए, तो हम लोग प्रदेश के नौजवानों से एक मुहिम चला करके पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी दिवस को बहुत बड़े रूप में मनाएंगे और इस प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 22 में। हम लोग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं परेशान हैं। घर से पढ़ाया लिखाया गया है, आज हम लोग फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं। अगर हम फॉर्म डालते हैं तो वो वैकेंसी रद्द कर दी जाती है, कहीं ना कहीं से उस पर रोक लगा दी जाती है, कोर्ट से रोक लगा दी जाती है। मैं चाहूँगा कि प्रदेश सरकार जागे और देश में बैठी केंद्र सरकार जागे और ये लोग सही से काम करें, रोज़गार दें नौजवानों को। बेरोजगारी जो चरम सीमा पर चल रही है उसका पूरी तरीके से निपटारण करें। किसान भी परेशान है, सब लोग आत्महत्या करने पर मजबूर है। आप देख लीजिए किसी भी चैनल, आप जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो सब इस समय रोज़गारी दर ही नहीं दिखा रही हैं इनके दबाव में। इसलिए आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठ करके भीख मांग रहे हैं 1090 चौराहे पे। आज हम लोग इस 1090 चौराहे पे बैठे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हम लोग आज उस जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। उन लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, पढ़ाई लिखाई बिजली पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हम आए हैं वहाँ से, आजमगढ़ से आए हैं यहाँ पे और धरना प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर मतलब होकर यहाँ धरने पे बैठे हैं, ये देख कर कि हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत जैसे बहुत सी परिश्रम कर रहे हैं फिर भी उन लोगों को कुछ रोज़गार नहीं दिया जा, नौकरी नहीं दिया जा रहा है, रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उन लोगों को कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारे साथ हमारी बड़ी बहन रमा यादव भी हैं और हमारे बड़े भाई लोग भी हैं, हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित। बताइए, देखिए आज इनके जन्मदिवस के दिन पे बात होती है महिला सुरक्षा की, ठीक है। इन्होंने कहा, एक नारा दिया था कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मुझे तो दिखता नहीं है कि बीजेपी कहाँ मैदान में महिलाओं की सुरक्षा में। महिलाओं की सुरक्षा बड़ी बड़ी बातों से करती है कि महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। एक इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो कहती हूँ कि नालत है इनके नारे पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा दे देते, लेकिन वही बेटियाँ जब अपनी हक की लड़ाई के लिए जब इनसे मांग करती हैं तो उस बेटियों को लाठी से पीटा जाता है और फिर जेल में डाल दिया जाता है। क्या यही इनकी नारा है? क्या यही बेटियों के सम्मान में इनकी बातें होती है? या फिर इनका यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? फिर पंचायती चुनाव में एक महिला प्रत्याशी की किस तरीके से साड़ी खींची जाती है? क्यों साड़ी खींची जाती है? अब भाई ये पूरा प्रदेश में सब जानते हैं एक महिला के किस तरीके से जलील किया जाता है, भरी सभा में किस तरीके से जलील किया जाता है। इंग्लिश मैगजीन है वो तो दिखा रही है कि प्रधानमंत्री जी सबसे लोकप्रिय चेहरा है। अरे कुछ नहीं लोकप्रिय, ये सिर्फ कहने की बात है। लोकप्रिय चेहरा तो हर कोई मतलब अपना वो झूठ है। आप जानते हैं जितने भी हिंदुस्तान के चैनल हैं, जितने लाइक और डिसलाइक वाला ऑप्शन कहाँ छुपा दिया इन लोगों ने। मैगनीज कुछ भी छाप दे, मैगजीन कुछ भी छाप दे। आप किसी पेपर में, अभी योगी जी का भी तो छपवाया था मैगजीन में एक दिन, आप देखे होंगे, पूरा प्रदेश के लोग देखे, पूरा देश के लोग देखे, बंगाल से ला करके ओवर ब्रिज छपवा दिया, अमेरिका से ला करके हाईवे वो कंपनियां छपवा दिए। क्या ये प्रदेश बनाना चाहते हैं? दूसरे देशों के और दूसरे प्रदेशों के आप लोगों, उत्तर प्रदेश की जनता को दर्शा देना चाहते हैं, दोबारा लूटना चाहते हैं। प्रदेश की जनता जान चुकी है और योगी जी को और मोदी जी को 22 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी प्रदेश की जनता। आप चाहे जिस गांव और शहर में कोने में जाकर के पूछ लीजिए, लोग परेशान हैं, लोग प्रताड़ित हैं, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार
क्रूर सरकार साबित हुई है। अंग्रेजों ने भी हमारे देश के नौजवानों, किसानों और व्यापारियों पर इतना अत्याचार नहीं किया, महिलाओं पर जितना अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों पर और उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया। हम लोग पूरी तरीके से 22 में इसका जवाब देंगे और भारत सरकार और प्रदेश सरकार को, दोनों सरकारों को नौजवान उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो देखा आपने जिस प्रकार से ये 1090 चौराहे पर ये युवा बैठे हुए हैं मोदी, और ये आप देख पा रहे होंगे कि कुछ के हाथ में कटोरा है और कुछ के हाथ में दुपट्टा है फैला कर बैठे हुए हैं। दादा दे दो, बेरोजगारों को भीख दे दो, भैया भीख दे दो, बेरोजगारों को भैया भीख दे दो, बेरोजगारों को धन्यवाद। जी जी भैया दे दीजिए, भैया बेरोजगारी दिवस मनाया जाए जरूर देंगे, भैया दे दीजिए भैया। देखिए इधर करिए, ये बोल रहे हैं कि हम जरूर देंगे, शायद ये भी मोदी जी से तंग आ चुके हैं, बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगार है, लोगों का काम छिन गया है, बेरोजगारों का ये साथ दे रहे हैं। मैं इसलिए दे रहा हूँ जी, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, इस तरह से हम परेशान है, उसी तरह हमारे और भी भाई परेशान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, भली भांति समझ, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक जिंदाबाद 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 भैया, धन्यवाद। के नाते आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जिस बेरोजगारी को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है? जी बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। पहले था कि हम लोग जो है अपना खाना पीना राशन हर चीज़ कर पा रहे थे किसी तरह, कुछ इतनी कमाई हो रही थी, लेकिन नोटबंदी के बाद जो मारामारी आई है वो मैं अच्छी तरह भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। बाकी मैं युवा हूँ, ग्रेजुएट किया हुआ हूँ मैं, और कितना भी हाथ पाँव मैंने मारा लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली, मिल भी रही है तो मेहनत दोगुनी, पैसा कुछ नहीं। इसी वजह से मैंने ये कैब निकाला हुआ है, सामने देख सकती है, इसमें भी इतना कम किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है, इतना कम पैसा हम कमा पा रहे हैं, किसी तरह से बस गुजारा बसारा कर रहे हैं। मैं योगी तेरे राज में, रेप और हत्या परम हो गई, योगी तेरे राज में, अपना लोग का बुरा हाल हो गया, योगी तेरे राज में, नौकरी पर योगी तेरे राज में, योगी तेरे राज में, यूपी का बुरा हाल हो गया, योगी तेरे राज में, छात्र का बुरा हाल हो गया, योगी तेरे राज में, किसानों का जीवन बन पता हाल हो गया, योगी तेरे राज में, योगी तेरे राज में, करके सारी ध्वस्त हो गई, योगी तेरे राज में, जो पटका रब्बार हो गया, योगी तेरे राज में, मोदी तक के मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी तक के मुर्दाबाद, 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 मोदी तक के सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, मोदी तक के सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, मोदी तक के सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, जात विरोधी चक्कर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे यूपी का बुरा हाल हो गया, योगी तेरे राज में।